नमस्कार, मी भानुदास पानमंद. आज विश्वास गायकवाड या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी एका अशा व्यक्तिमत्वाची आपल्याला ओळख करून देणार आहे ज्याची ओळख खरं पाहायला गेलं तर सामाजिक दृष्टिकोनातून होणं गरजेचं असतं, पण आजपर्यंत त्यांना तशी ओळख मिळालेली नाही. या जगामध्ये मानवी देह दोनच, एक स्त्रीचा आणि एक पुरुषाचा. आपल्या घरामध्ये एखादं बालक, अपंग बालक जर जन्माला आलं तर आपण त्याचा अभिमानाने स्वाभिमानाने स्वीकार करतो, पण एखादं नपुसक बालक जर जन्माला आलं तर मात्र आपण त्याचा अवेअर करू लागतो. या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार करून आम्ही आज या चॅनलच्या माध्यमातून अशा एका व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करून देणार आहे की ज्याचा जन्म हा एका शरीरात तर त्याचं जीवन हे दुसऱ्या शरीरात असं दुहेरी आयुष्य जगणारे किन्नर अरुणा. त्यांनाही काही नाही काही मानसिक भावना आहेत का आणि आपुलकीची गरज आहे का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज आपण जाणून घेणार आहोत. आणि माझ्यासोबत मुलाखत घेणार आहेत अमृता भारती. तर जाणून घेऊया सावधानतेने जीवन जगणाऱ्या एका मनुष्याची ही कथा. नमस्कार अरुणाजी. नमस्कार. आप कहां से हो? मैं बॉम्बे से हूँ. कितने साल से आप बॉम्बे में हो? बॉम्बे से मैं पिछले 30-35 साल से हूँ. 30-35 साल. आपकी अभी उम्र क्या होगी? अभी 39 तक पूरे मेरी उम्र है. 39. आपको देख के लगता नहीं है. तो आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म घाटकोपर में हुआ था. घाटकोपर. आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? मैं कोकण से हूँ. मैं कोकण. अरुणा जी, तसं पाहायला गेलं तर किन्नर ह्या समाजाबद्दल आमच्या मनामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा न्यूनगंड आहे. म्हणजे आता तुमच्याशी बोलताना जे वाटतंय आणि इतर किन्नरांशी बोलताना जे वाटतंय याच्यामध्ये जमीन अस्मानाची तफावत आहे. तर मला हेच विचारायचं आहे की असं म्हणतात की आपली गुणसूत्र जी असतात ती आई वडिलांकडून येतात. एक्स वाय आला की तो मुलगा असतो, एक्स एक्स आला मुलगी असते, असं आपल्या गृहित राहतं. पण आपल्यात असं काहीतरी कमी आहे याची जाणीव तुम्हाला कधी झाली? वयाच्या 13व्या वर्षी मला जाणीव झाली की मी एक म्हणजे हळूहळू माझ्यामध्ये बदल होत गेले. 13व्या वर्षापासून मला जाणीव झाली याची की माझ्यामध्ये काहीतरी कमी आहे. आणि मी म्हणजे कोणाला सांगू शकत नव्हते या सगळ्या गोष्टी ज्या माझ्या वैयक्तिक गोष्टी आहेत माझ्या आयुष्याच्या, की माझ्यामध्ये काहीतरी कमीपणा येतोय मी कोणाला सांगू शकत नव्हती. आणि त्याच्यामुळे मग मी आतल्यात आपलं म्हणजे एक विचार करत राहिले की मी अशी का म्हणजे माझ्यात का अशी बदल होत चालले आहेत. तो जब 13 साल की उम्र में आपके अंदर बदलाव आया तो वो किस टाइप का बदलाव था? यही जैसे कि 13 सालों में जब लड़की जवान हो जाती है कि उसी तरीके से मतलब मेरे में एक अलग एक बदलाव सा हो गया कि जैसे मैं एक लेडीज महसूस करने लगी खुद को और मेरे अपने आप मेरे हार्मोन्स चेंज होने लगे सब. फिर जैसे 13 साल में जब लड़की बड़ी हो जाती है, जब उसको लगता है कि मैं एक ऐसे लड़की हो गई, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं भी एक लड़की हो गई है, इस तरह के मेरे भी बदलाव आ गए कि मैं लड़की जैसे फीलिंग करने लगी. मैं ऐसा जब मुझे वही मालूम पड़ा कि मैं एक लेडीज़ का जीना जी सकती हूँ, जेंट्स का जीना मैं जी सकती नहीं हूँ, तो मैं ये दुख जो है मैं अंदर लेके दुख साथ में लेके मैं जीवन मेरा बीत गया कुछ 2-3 साल. उसके बाद मेरा जब गुरु, जब मैं गुरु को देखी, जब गुरु से मैं पहचान कराई, एक मेरे गुरु थे उनसे पहचान कराई, फिर उन्होंने मुझे बोला बेटा मेरे घर पे आ जा ऐसा वैसा. फिर गुरु ने मुझे सब बताया कि बेटा देखो अपने ऐसे हैं तो बेटा अपनी ज़िंदगी एक किन्नर की ज़िंदगी है. तो किन्नर इस शब्द का मुझे अर्थ मालूम नहीं था, किन्नर क्या होता है और किन्नर कैसा होता है. तो मुझे गुरु ने बताया कि बेटा देख तू एक किन्नर है. तो मैं बोली नहीं नहीं मैं किन्नर, मैं तो एक लेडी जैसी हूँ. तो बोली नहीं मैं तो किन्नर है. तो हिसाब से गुरु ने मुझे सब जो अंदर की हमारी बात रही थी सब मुझे गुरु ने बता दिया कि ऐसा किन्नर की ज़िंदगी और ऐसे किन्नर बनते हैं. तो हिसाब में गुरु को देखी, गुरु मुझे बड़े प्यारे लगे. फिर रोज आना जाना गुरु के साथ, फिर वो मेरी ज़िंदगी अलग से मेरी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की जो मेरी गाड़ी थी ट्रेन वो अलग से. आपको मतलब वो जो आपके गुरु थे वहाँ तक आपको पहुँचाया किसने? नहीं, मेरे पहली बार मेरे गुरु को मैं अपने जब हमारे बाजू में बच्चा हुआ था, जब मेरे गुरु उधर आए थे और मैं बच्ची, तो मुझे गुरु ने देख लिया, देख रहे तो मुझे बुलाया
बेटा इधर आ बोल के, तो मैं डर गई पहले कि मैं फिर गुरु के पास रोज आना जाना, फिर गुरु के घर में जो भी काम है मैं लेडीज़ के जैसा करती थी, और वो दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि माँ बाप को छोड़ के ये दुनिया में खुश रह सकती हूँ। तो दुनिया से मैं थोड़ी अलग होके मैं इस दुनिया में मैं कदम रखा मैंने। तो जब आप इस दुनिया में आपने कदम रखा था, तो इस दुनिया में भी कदम रखने का कुछ होगा, पूजा पाठ जो रीति रिवाज कुछ ऐसा हुआ होगा? हाँ, हमारे में देखो पूजा पाठ भी करते हैं, और जब हमारे में एक किन्नर बनते हैं तो हमारे में भी एक पूजा पाठ करके ही हम लोग किन्नर के दुनिया में कदम रख सकते हैं, उसके ऐसे अब हम कदम नहीं रख सकते हैं। तो ये जो हमारे पूजा पाठ थे, जो हमारे गुरु ने सब कुछ करके जो विधि करने का था पूजा पाठ का, वो सब करके फिर हम लोग किन्नर बन गए। फिर पहली साड़ी मेरे गुरु ने मुझे दी है, मेरा नाक छेदा, फिर उसके बाद में सब जो एक लेडीज जो एक औरत पूरा जो श्रृंगार शोक श्रृंगार करती है वो मैं सब करना लगी। तो आप जब ये श्रृंगार करते थे मतलब नए नए में, तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता था कि हाँ मैं ये श्रृंगार? हाँ, अजीब तो देखो मैडम, अजीब तो लगता है किसी को भी। अपन एक पहले क्या आते हम, फिर आईने के सामने हम जाने के टाइम हमारा आईना हमारा जो असली रूप है हमको बताया कि मैं ये हूँ। तो जो पहली जो मेरे जिंदगी थी वो जिंदगी में पहले की इसमें चले गए कि मैं पहले कैसे थी फिर आप कैसी हो गई। तो मेरा ये वो आईना मुझे बहुत बता रहा था कि तू ये है बोल के। तो मैंने जो सत्य है सत्य को अपनाना जैसे सही मतलब समझी मैं। आपने बचपन से लेके जब से पैदा हुए थे और 13 साल तक आपने एक लड़के की जिंदगी जी है ना, तो जब आप उस लड़के की जिंदगी में थे तभी आपको थोड़ा भी कुछ मतलब ऐसा फील नहीं होता था कि हाँ मैं कुछ और हूँ, या लड़कियों जैसे मन कुछ करे जैसे लड़कियों का मन करता है वैसा कुछ? बचपन से ही कुछ ऐसा आपके अंदर चेंजेस नहीं थे कि 13 साल के बाद ही आपके अंदर सब कुछ बदला हुआ, 13 साल के बाद ही आपको मालूम पड़ा? एक्चुअली बचपन में बच्चों को समझ में नहीं आता ना, कोई बात आया समझ में, बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आता। जब बच्चा अपने एक उम्र में बच्चा आ जाता है तो बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि मैं मतलब कुछ तो बदलाव मेरे में कुछ हो रहे है, कुछ चेंजिंग मेरे में हो रहा है। तो हिसाब से मेरे 13 साल में मुझे सब मालूम पड़ा। ज्या वेळेस 13व्या वर्षी तुम्हाला हे सगळं माहीत पडलं, त्याच्यानंतर तुमच्या आयुष्यामध्ये गुरु आले, गुरुने तुम्हाला एक वेगळी दिशा दाखवली, ज्या दिशेतून तुम्ही जाण्याचा पहिला प्रयत्न केला, पण ज्यावेळेस पहिल्यांदा तुम्ही घरामध्ये सांगितलं ते कोणाला आणि त्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया काय होती?